ये असल में ये जब मूर्ति विसर्जन गंगा में नहीं होगा, ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया और उसके बाद पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए प्रशासन हम पर प्रेशर बनाने लगा और हम लोग ने हाईकोर्ट ने पीआईएल लगाया। पीआईएल लगाने के बाद गणेश जी की मूर्ति गोदोलिया पे रुक गई। मैं अध्यक्ष होने के नाते बहुत प्रयास किया कि वो मूर्ति टाउन हॉल में आ जाए, यहाँ धरना प्रदर्शन हो, जो भी करना यहाँ रखें, पब्लिक को छोड़ दें सड़क से। हाईकोर्ट के दिए गए ऑर्डर के बाद कई लोगों की आस्था को ठेस जरूर पहुंची थी कि माँ दुर्गा की मूर्ति को अब गंगा में विसर्जित नहीं किया जाएगा, पर काशीवासियों ने इस साल इसके लिए भी एक नए तरीके से अपनी श्रद्धा जताने का तरीका निकाल लिया है। इसके बाद अब काशीवासियों ने धातु की मूर्तियां तैयार करना शुरू कर दिया है। चांदी से बनी हुई इन मूर्तियों को माँ गंगा में विसर्जित ना कर हर साल इन्हीं की आराधना करने का ये तरीका गंगा को स्वच्छ रखकर सरकार के साथ कदम मिलाने जैसा है। अर्णिमा द्विवेदी, ईटीवी वाराणसी।